नमस्कार दोस्तों। पौधे के विकास के लिए 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें एनपीके मुख्य पोषक तत्व है। इसी के साथ साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आज बात करेंगे कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में क्या क्या काम करते हैं तथा पौधे के विकास में क्या क्या भूमिका निभाते हैं। साथियों, देखा जाए तो पौधे में 6 भाग होते हैं, जिसमें से रूट, स्टेम जिसको अपन तना बोलते हैं, पत्ते, चौथा फूल होता है, पांचवा होता है फल, और छठवां अपन बात करते हैं बीज की। अब बात करते हैं पौधे में जड़ विकास के लिए कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आता है आयरन। आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। जो जड़ के लेग्यूम रूट होते हैं, जो कि सूक्ष्म रूट जिसको अपन बोलते हैं, मतलब सूक्ष्म जड़ों तक भी ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य आयरन ही करता है। दूसरा आता है जिंक। जिंक का काम होता है पौधों में जड़ों की जल्दी ग्रोथ करना। अगला होता है मैग्नीशियम और कॉपर। इन दोनों का काम होता है पौधे में उपापचय प्रक्रिया को बढ़ाना। जब पौधे के अंदर उपापचय प्रक्रिया बढ़ जाती है तो पौधे का विकास जल्दी होता है, पौधे को जो ऊर्जा है वो जल्दी मिल पाती है। अब बात करते हैं तने की वृद्धि के बारे में। तो तने की वृद्धि में फर्स्ट जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो आता है जिंक। जिंक तने के अंदर प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो जिंक ही बढ़ाता है तने के अंदर। अगला आते जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो आता है आयरन। आयरन पौधे की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरा आता है कॉपर, जो पौधे में तने की छाल की जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, उनको मजबूत बनाता है, जिससे पौधा है वो सुरक्षित बना रहे, तना है उसका सुरक्षित बना रहे, जो भारी जो चोट है, आघात है, उनसे बचा रहे। अब बात करते हैं पत्तों के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है मैग्नीशियम और कॉपर, जो पौधे में पत्तों में क्लोरोफिल निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो भी क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें कॉपर व मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब सेकंड माइक्रो न्यूट्रेंट आता है आयरन। आयरन पौधे में क्लोरोफिल उत्प्रेरण को बढ़ाता है। जब भी आयरन पौधे के अंदर कम होगा तो क्लोरोफिल का उत्प्रेरण है वो नहीं होगा, और पौधे में जो हरापन है वो नहीं हो पाएगा। इसी के साथ पौधे के अंदर जो भी क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो धीरे पड़ जाएगी, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। इसलिए पौधे के अंदर आयरन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं फूलों के विकास के बारे में, फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में। फूलों के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम फूलों में पोलन निर्माण को बढ़ाता है, मतलब जो पोलन होता है, पराग होता है, परागकण होता है, उसके विकास को बढ़ाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है कॉपर का। कॉपर पौधों के अंदर पोलन की कमजोरी को दूर करता है, जिससे जो आगे आने वाले जो फ्रूट हैं, बीज है, उसमें विकृति देखने को नहीं मिले। अगला पॉइंट आता है बोरोन का। अगला जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो होता है बोरोन। बोरोन फूलों में पोलिनेशन की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे जल्दी फूल से फल बन पाते हैं और उसी फल से बीज बन पाते हैं। अब बात करते हैं फलों के विकास के बारे में, फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में। फल निर्माण में मुख्य रोल होता है जिंक का। जिंक जो फलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी के साथ अब बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन फल के निर्माण के साथ साथ उसके अंदर जो शर्करा होती है, शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, उसका निर्माण भी करता है। इसी के साथ जो बोरोन होता है वो फल की मेच्योरिटी को बढ़ाता है, जिससे फल जल्दी पकता है। अब बात करते हैं अगला जो माइक्रोन्यूट्रेंट है कॉपर। कॉपर फलों में फ्लेवर निर्माण करता है, मतलब जिस प्रकार से अपन आम खाते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है, मौसम्बी खाते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है, सेब खाते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो अलग आता है। इस प्रकार के जो फ्लेवर बनते हैं फलों के अंदर, उसका निर्माण कॉपर करता है। अब बात करते हैं बीज निर्माण की। बीज जो पौधा होता है उसके अंदर मुख्य घटक होता है, जिससे जो आगे की जो प्रजातियां हैं या आगे की जो पीढ़ियां हैं वो बन पाती है, उसका निर्माण हो पाता है। तो बीज निर्माण में दो मुख्य जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें से पहला आता है बोरोन। बोरोन बीज की सेटिंग करता है फल के अंदर, जो किस प्रकार से बीज है वो सेट होगा या किस प्रकार से बीज का विकास होगा। इसी के साथ अगला जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो आता है जिंक। जिंक फल के अंदर या पौधे के अंदर बीज का गठन करता है, जिससे बीजों का निर्माण अच्छे से हो पाता है। बीज का जो निर्माण हो उसको उत्प्रेरित करने का कार्य जिंक करता है। ये अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के अलग अलग भागों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके अलग अलग भागों के विकास के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। बहुत से किसान साथी सवाल पूछते हैं कि वो फल निर्माण के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट डालें या फूल
बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट डालें। तो इस प्रकार की जानकारी का लाभ लेकर आप भी अपने यहाँ अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।